बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा इस रात को, जब तक माँ बाप से अपने अपनी गलती की माफी माँ बाप से नहीं मांगेगा, नहीं बख्शा जाएगा। आकुल वालिदैन, आकुल वालिदैन, सारी रात इबादत करता रहे, अगर माँ बाप उससे राजी नहीं है, नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे जवान, देख ले, अगर माँ बाप नाराज हैं तो माँ बाप को राजी कर लो भाई। ये वो माज है, ये वो जगह है जहां शिकस्त खाना जीतना है, जहां नीचे होना ही जीत है। माँ बाप की आवाज से आवाज ऊंचा करना कोई जीत नहीं है भाई, कोई जीत नहीं है। यहां आवाज को पस्त रखना जीत है, यहां झुक जाना ही जीत है। ना बहस मुबासा करो माँ बाप के साथ, ज्यादती भी कर ले दर गुजर कर लो, जुल्म भी कर ले दर गुजर कर लो, माफ कर दो। व इन जलमा, ऐ अल्लाह के रसूल, माँ बाप ने जुल्म किया तो फिर कहा व इन जलमा, जुल्म करे जब भी तूने नेकी करनी है उनके साथ, फिर कहा व इन जलमा, अल्लाह के रसूल अगर माँ बाप जुल्म करें, फिर फरमाया व इन जलमा, अगरचे वो जुल्म करें, तेरे लिए जुल्म करना उनके साथ जायज नहीं। इसलिए माँ बाप के हुकूक अदा करो। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने आप को उनके सामने झुका लो, नीचे कर लो, और अल्लाह से ये मांगते रहो, अल्लाह इन्होंने मेरी बचपन में तरबियत की है, मुझे पाला पोसा, यहां तक पहुंचाया, ऐ अल्लाह तू इनकी बख्शिश फरमा। और सारी जिंदगी आपने खिदमत करती की है माँ बाप की, अगर माँ बाप के मरने के बाद उनके लिए दुआ नहीं की, तब भी आपने माँ बाप का हक नहीं अदा किया, मरने के बाद भी उनके लिए दुआओं को जारी रखना है। ये रिश्ता नाता ऐसा है, ये रिश्ता नाता खत्म होने वाला नहीं है। माँ बाप चले गए तो अब आपके रिश्ते खत्म हो गए, नहीं भाई, नहीं। तो इसलिए आकुल वालिदैन, माँ बाप के नाफरमान की बख्शिश भी नहीं होती। हाँ, अगर माँ बाप दुनिया से नाराज चले गए, इस्लाम में फिर भी हल मौजूद है, इस्लाम में फिर भी हल मौजूद है। जाओ माँ बाप के कराबतदारों के साथ अच्छा सलूक करो, जाओ चचा की खिदमत में, ताया की खिदमत में, जाओ फूफियों की खिदमत में, अपनी खालाओं की खिदमत में, मामों की खिदमत में जाओ, उनकी जाके खिदमत करो, उम्मीद है तलाफी हो जाएगी। और माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करो, अगर वो नाराज चले गए, जितना आपकी जानिब से उनको दुख मिला, जितना आपने सताया, इतनी उनके लिए बख्शिश की दुआ करो, तो ये बदला हो जाएगा, फिर बदला हो जाएगा। आपने 7 साल उनको सताया, दिल दुखाया उनके, दिन रात उनका दिल दुखाया, तो फिर 7 साल आप भी उनके लिए दिन रात लग कर बख्शिश मांगो अल्लाह से, फिर काम बन जाएगा। आप कुल वालिदैन, माँ बाप के नाफरमान की बख्शिश भी इस रात को नहीं होती।